किकर नट बोल्ट का साइज कितना होता है और किकर स्लीव का मेजरमेंट कितना होता है, पीवीसी पाइप जो किकर के लिए काटना पड़ता है किकर फिक्सिंग करने के लिए उसका लेंथ कितना होता है, तो बता देता हूँ आप लोग सुनिए। हम लोग माइबन फोमर साइड पे जो किकर बोल्ट यूज करते हैं ना उसका लेंथ रहता है 90 mm, 90 mm, ठीक है। डायमीटर रहता है 16 mm। तो मेरे पास सैंपल है, देखा देता हूं आप लोग को। ये देखो किकर नट बोल्ट, हाँ किकर नट बोल्ट, यहां से यहां तक डिस्टेंस है, यहां से यहां तक डिस्टेंस है 90 mm, ओके। ये वाला 10 mm, ये वाला 10 mm। तो अभी जो जो सवाल पूछा है तो प्रैक्टिकली आंसर दे रहा हूं, इसका लेंथ है 90 mm, ओके। मतलब किकर बोल्ट का लेंथ 90 mm और इसका जो डायमीटर है ये आपका 15.9 mm, ओके। क्योंकि 16 mm का होल में हम लोग लगा थे तो 15.9 mm थ्रेडेड रहता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे नाट रहता है, ये हेक्सागन टाइप है नाट, आउटर टू आउटर डिस्टेंस है 24 mm, ओके। और ये 15.9 mm इसका है और ये वाला 16 mm होता है, ओके। इसमें हम लोग पीवीसी पाइप लगाते हैं और पीवीसी कॉन लगाते हैं। पीवीसी पाइप जो लगाते हैं ना वो 25 mm का डायमीटर रहता है और पीवीसी कॉन लगाते हैं, ओके। ये पीवीसी कॉन, इसका लेंथ रहता है 34 mm, ओके। और इसका जो शांक पोर्शन है ए वाला कॉन पोर्शन जो है तो इसका लेंथ रहता है 13 mm और बाकी का 21 mm, ओके। इसका डायमीटर भी होता है आउटर टू आउटर 21 mm। किकर बोल्ट का जो साइज है ना वो 16x90 mm का है, ओके। तो थ्रेडेड रहता है और उसका ऊपर नाट चढ़ता है, नाट का जो जो नाट लगते इसका ऊपर जो नाट लगते वो जनरली हेक्सागन टाइप है, ओके। तो हेक्सागन टाइप डिजाइन है तो आउटर टू आउटर जो डायमीटर रहता है नाट का 24 mm रहता है और अंदर 16 mm का रहता है, ओके। अभी इसमें आपका किकर स्लीप बोले तो आपका पीवीसी पाइप और इसका पीवीसी कॉन ये दोनों का कनेक्शन यही हो जाता है किकर स्लीप, इसका साइज कितना रहता है। देखो पीवीसी पाइप जो काटना पड़ता है इसमें तो 50 mm का काटना पड़ता है, 25 mm का डायमीटर रहता है और आपका जो पीवीसी कॉन है वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। 21 mm का डायमीटर रहता है इसका और बाकी इसका लेंथ रहता है 34 mm, ओके। तो अभी इसको घुसाना पड़ता है, पीवीसी पाइप जो लगाते हैं ना पीवीसी पाइप का अंदर घुसाना पड़ता है, ओके। बोल्ट का ऊपर लगाना पड़ता है, उसके बाद नट को क्लोज करना पड़ता है। अभी ये जो किकर बोल्ट है, किकर बोल्ट रीयूजेबल है, एक कास्टिंग होने के बाद हम लोग निकाल लेते हैं, इसके लिए रीयूजेबल, ओके। तो नट वन टाइम यूज होता है।